सुन लिया साईं ने क्या कहा? तो फिर क्या खड़े हो बेशर्मों की तरह, निकलो यहां से और अपने मनुष्य चेहरे लेकर वापस मत आना। ना साई को तुम्हारी जरूरत है ना ही मुझे, निकलो। क्यों साई, आप हमें ये सजा क्यों दे रहे हैं? जिंदगी से थक हार कर हम यहां आते हैं इस चौखट पर माथा टेकने, हिम्मत और हौसला लेने। अब हमें इस चौखट से दूर क्यों कर रहे हैं साईं? आज से पहले भी तुमने कुछ भी अकारण नहीं किया है, ना आज कर रहे हो, लेकिन किसी की मदद के लिए हम सबको अपने से ऐसे दूर तुमने आज से पहले कभी नहीं किया साईं। कारण जो भी हो, तुम जानते हो, हम तो नहीं जानते हैं ना। हम तो सिर्फ हमारी बात जानते हैं साईं, कि सालों से हम सब के मन मंदिर में तुम बसे हुए हो। चाहे कोई ईश्वर का नाम लेना भूल जाए, लेकिन तुम्हें अपने विचारों में रखते हैं सब। ये द्वारका माई, लोग अपने अपने घरों से ज्यादा द्वारका माई से जुड़े हैं साईं। और रही बात मेरी, जब बेटा ही मां से कहे कि वो उसके घर ना आए तो उस मां पर क्या बीत रही होगी तुम जानते हो। सूरज का अस्तित्व खुद से, वो धरती के बिना भी रह सकता है, लेकिन धरती और उसके प्राणी सूरज के बिना कैसे रह सकते हैं? मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन बाबा की बात मैं टाल नहीं सकता हूं। जैसा ये चाहते हैं वही होगा। अगर ये चाहते हैं कि आप लोग यहां ना आए तो आप लोगों को यहां आना बंद करना होगा। I'm not afraid to die.
या अल्लाह। आराम से आराम से आइए। या अल्लाह। आइए। बहुत दर्द हो रहा है ना? या अल्लाह। सरकार ठीक कर देंगे। अभी बाबू आराम से। हाँ। आराम से। आराम से। अल्लाह। अल्लाह मदद। या अल्लाह। आराम से अभी बाबू। आइए। या अल्लाह। यहाँ भाई। बैठिए। बैठ अल्लाह आराम से। हाय अल्लाह सरकार कहाँ है? हरिओम हरिओम। मुझे आशा थी अमीर जी कि आप जरूर आएंगे। आदाब सरकार। बस आप मुझे वो दवा दे दीजिए, मैं आज ही अपने घर वापस लौट जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं क्यों नहीं, देखिए आपकी दवाई तैयार है। इसमें एक तेल है जो आपको दिन में 3 बार लगाकर मालिश करवानी है, और दूसरी एक दवा है जो सुबह शाम आपको लेनी है। लीजिए और तुरंत अपने घर चले जाइए। कोपर गांव में एक धर्मशाला है, वहां आज रात रुक जाइए, कल सुबह होते ही वांद्रे के लिए रवाना हो जाइए। मुझे लगता है 1 सप्ताह के अंदर आपको अच्छा लगने लगेगा, और जब पीड़ा कम हो जाए दर्द कम हो जाए तो दोबारा दिखाने के लिए जरूर आइए। लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। हरिओम। लेकिन सरकार माफी चाहता हूं, मुझे आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़े पैसे हैं वो घर जाने के लिए चाहिए। हरिओम हरिओम। आमिर जी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। संसार की हर चीज का मूल्य हम पैसों में नहीं कर सकते, पैसों से नहीं चुकाया जाता। देखिए मैंने आपकी मदद की है, आप मेरी मदद कर दीजिए। जरूर, लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? बताता हूं। गांव वालों से जाकर आपको केवल इतना कहना है कि वो फकीर आपको ठीक नहीं कर पाया, कुलकर्णी सरकार ने आपको ठीक किया है। ऐसे क्या देख रहे हैं? हाँ ये झूठ थोड़े ही है, ये सत्य है। वो फकीर आपको ठीक नहीं कर पाया, ऊपर से आपको खंडर में रहने के लिए भेज दिया। अमीर जी यहां के लोगों के सामने मैं उसका सही रूप लाना चाहता हूं। लोगों के मन में जो अंधविश्वास है उसको सदा के लिए मैं मिटाना चाहता हूं, और आपके सहायता के बिना यह मैं नहीं कर सकता। जिन साईं बाबा से मिलने के लिए तुमने यहां तक का सफर तय किया है वो यही है तुम्हारे सामने। इतनी तकलीफ सह के आपसे मिलने आया और आप? नहीं सरकार, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि साईं ने जो किया वो गलत था। हरिओम हरिओम। आपके साथ भी उसने वही किया जो परसों से लोगों के साथ करता आया है। वो आपकी बुद्धि भी उसने भ्रष्ट कर दी। अभी भी आप उस फकीर के बारे में सोच रहे हैं? क्यों, साईं ने तो मेरे बारे में सोचा उस रात जब बिच्छू निकल आए थे और जब मैं भूख से मरा जा रहा था। यदि उस पर इतना ही भरोसा है तो जा उससे ही उपचार करा, निकल यहां से। याला सरकार, आपने तो कहा था कि
पैसे बात में दे। तेरे पैसों पे जीवित नहीं हूं मैं, और उस फकीर के चेलों को मुंह नहीं लगाता मैं। चल निकल यहां से। किसी के साथ ऐसे पेश आना सही नहीं है। मैं इससे भी बुरा पेश आ सकता हूं, तू उस बुराई को आमंत्रित ना कर। मैं शिरडी का मुखिया हूं, ये शिरडी मेरी है और यहां मेरा आदेश चलता है। गलत कह रहे हैं आप। शिरडी अगर किसी की है तो वो साई की। यहां जो कुछ भी होता है वो साई की मर्जी। पत्ता भी हिलता है तो साई की इच्छा से। शिरडी का वजूद, इसकी पहचान साई है। ये तो आप सबकी खुशकिस्मती है कि आपको साई की साय में पनाह मिली है। संता पंता, इसे धक्के मारकर बाहर फेंक दो। चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं तुम्हें यहाँ के लोग, फिर किसी की मदद के बारे में सोच रहे हो ना? द्वारका माई के कामों में ध्यान लगाओ, दिन का खाना बनाना शुरू करो। जी बाबा। मैं इस वक्त तुम्हें सहारा देने नहीं आ सका, शायद यही मालिक की रजा है कि तुम्हें खुद अपना रहनुमा बनना पड़ेगा। तुमने तो कुछ भी नहीं खाया भाई साहब, कुछ तो खा लो। अगर हम ऐसा करते रहे तो तात्या को कैसे समझाएंगे भाई साहब? तात्या सो गया? अभी अभी आंख लगी है,
मुझे याद भी नहीं है कि तात्या को इतना दुखी इससे पहले मैंने कब देखा था। साई, 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 साई। आपने सुना? साई, साई, साई। साई, 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 साई से पूरी तरह एक रूप हो चुका है, इसे कहते हैं भक्ति। कितनी पीड़ा हो रही है इसे, समझ नहीं आता अपने ऐसे भक्त को साई ने खुद से दूर क्यों किया होगा। साई, वो साई है, क्या लीला रचा रहा है ये तो लीला समाप्त होने पर ही पता चलता है। विश्वास रखिए, इस वियोग में भी साई इससे दूर नहीं होगा। साई इसकी हर आह सुन रहा होगा, महसूस कर रहा होगा, और एक दिन सब ठीक कर देगा। मैंने कुलकर्णी सरकार की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की है, मैं साई को क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन साई ने मुझे पुरानी चौड़ी में रहने के लिए क्यों भेजा होगा? यहां रह के तो मैं कभी नहीं ठीक हो सकता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं साई मुझे ये बात समझाना चाह रहे हैं कि गठिया की सुरख के साथ मुझे ताज जिंदगी रहना पड़ेगा, कोई उम्मीद नहीं है मेरे लिए। मुझे लगता है यही समझना था मुझे, मैंने समझ लिया, अब मेरे साथ जो भी हो मेरे अपने घर में हो, अपने लोगों के साथ कम से कम एक सुकून तो रहेगा। आज की रात मैं खोपरगांव के धर्मशाला में निकालता हूं, कल वापस घर। कई बार समाधान हमारे सामने होता है पर हमें उस पे विश्वास ना होने के कारण हम उसे स्वीकार नहीं करते। कुछ खा लीजिए, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। नहीं रम्मा। आई, 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 आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं आई, अब आप ही कुछ समझाइए इन्हें।
ये कुछ नहीं खा रही है। तात्या खाना खा ले बेटा, वो कल द्वारका माई जाएगा, साईं से भी मिलेगा, मैं ले जाऊंगी तुझे। लेकिन कैसे आई? कल शाम से पहले सबको बुला लेना, हम सब चलेंगे द्वारका माई। बाबा पानी। अल्लाह कैसे हो गया? बाबा तो सो गए होंगे। हाँ हाँ चलिए हम भी सो जाते हैं। आज का खाना तो बहुत बढ़िया था। खाना तो बढ़िया था लेकिन देर बहुत हो गई है, चलो अब सो जाते हैं। कल सुबह जल्दी भी निकलना है, बहुत काम है। हाँ हाँ वो तो चलो सो जाते हैं। इनकी तो सांसें ही नहीं चल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम बाहर गए थे तब तो ये जिंदा थे।
ये तो कानूनी मामला है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। हाँ हाँ, अगर पुलिस को ये पता चल गया कि मेरे पानी पिलाने के बाद ये बाबा मरे हैं, तो कहीं से मुझे अपराधी ना समझ ले, कहीं जेल भेज दिया तो। खून 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 हो गया, खून हो गया, खून खून हो गया, खून। कैसे हो गया बेटा? बाबा जब हम बाहर गए थे खाना खाने के लिए, तब ये जिंदा थे, और अभी आके देखा तो इनकी सांसें ही रुक गई हैं। किसी को देखा आपने आते हुए? इतने लोग हैं, किसी ने भी भागते हुए देख लिया तो फिर तो यही सोचेंगे कि सब मैंने किया है। आमिर, वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें बुला लूंगा, लेकिन तब तक तुम पुरानी चावड़ी नहीं छोड़ोगे। साईं की बात नहीं मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए साईं, मुझे यहां से निकलने का मौका दीजिए, मैं वापस चौड़ी आ जाऊंगा। फिर से साईं का करिश्मा है, उन्होंने मेरी दुआ सुन ली है। धन्यवाद साईं, आज आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपके ही पनाह में रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, आपसे किए हर वादे निभाने मैं वापस आ रहा हूं साईं, लौट रहा हूं शिरडी। पुलिस वाले ही आपको द्वारका माई से और शिरडी से भी बाहर निकालेंगे। ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा तो साईं भी मेरे साथ जाएगा। आप ऐसा नहीं करेंगे ना? आप सबकी श्रद्धा इतनी बड़ी है कि मैं पास रहूं या दूर, हर पल मालिक से आपकी कुशलता की कामना करूंगा।